गुड इवनिंग दोस्तों, राम राम। गुड इवनिंग दोस्तों, राम राम। सबसे पहले तो हम सब की तरफ से सबको YouTube फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दोस्तों। तो हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, रंगोली बनाते हैं ना, वो भी सजाए है बाहर, अभी मैं दिखा दूंगा आपको वीडियो में। बाकी अभी हम बैठ के यहाँ पर ये लाइव चल रहा है, ये देखिए अयोध्या से सीधा प्रसारण, अयोध्या से। भैया मजा आ रहा है ना? हाँ भाई, कभी रियल में जाने का तो मौका फ्यूचर में मिलेगा तो जाएंगे, बहुत अच्छा फीलिंग आएगा अंदर से। अयोध्या में क्या फीलिंग है, 25 लाख ऐसे कुछ दिया जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, ऐसे सुने थे, पेपर में दिया था, आज न्यूज में पढ़ा था मैंने, उसके बाद यहाँ पे लाइव देख रहा हूँ भाई, मतलब अजीब सी अलग ही फीलिंग आ रही है भाई। रोंगटे खड़े करने वाली, मतलब जो अंदर से फीलिंग आएगी ना, ये जो त्योहार है इसका जो महत्व ये देख के पता चलता है कि नहीं। तो वैसे तो दिवाली के दिन हम सब इकट्ठा होते हैं, जितने भी दोस्त हैं होते हैं सबको बुलाते हैं, हमारे वो वाले गाड़ी वाले दोस्त भी आते हैं ना हमेशा। हाँ बिल्कुल, आज कुछ अलग काम में वो रह गए थे, मैंने कॉल किया था, इसलिए मुझे लगता है पहली बार आज वो मिस करने वाले हैं, ये तो हमेशा शामिल होते थे आके हमारे साथ। क्या हुआ? ये दिया। अच्छा दिया रेडी हो गया क्या? गर्मी लग रहा है, जैकेट वगैरह पहनते हो क्या? ठंड लग रही क्या? घर से आया है ना। अच्छा आजकल ठंडा पड़ रहा है भाई, अंदर नहीं, आजकल ठंडी का मौसम भी शुरू ना, दिवाली के बाद से ही ठंड धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, विंटर ऑलमोस्ट पहाड़ी वाला जगह है ना, हो ही गया है समझो, ठंड तो पड़ती है, अंदर थोड़ा वार्म है तो थोड़ा हाथ पर पटा लेते हैं हम भी, दिया जला लेंगे थोड़ा, उसके बाद थोड़ा पटाखे वटाखे हो जाए, थोड़ा सेलिब्रेशन कर लेंगे और क्या। चलो भाई देखो दिया। अच्छा फिर से भाई देखो देखे भाई हमारा किस्मत कब फूटता है उधर जाने के लिए। किस्मत फूटता नहीं भी खुलता है। क्या बोल रहे फूटते है, किस्मत कब खुलता है जाने के लिए बोलो भाई। के एक साथ सजा रही है। अरे ये तो मुझे बहुत डर लगता है भैया, झटपट भाई ये तो चुट होता है। हाँ भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा लगता है, हो गया तो पता नहीं। चोपड़ी समझ के लगा लिया फटका, कुछ फोड़ लिया भाई, आजकल कॉम्बो ऑफर चलता है ना।
चलो भैया दोबारा से चाय के साथ वेलकम हो गया फिर से। और हमारा तो दिवाली का मतलब पटाखे का त्यौहार तो उतना ही होता है, पटाखे तो ज्यादा नहीं फोड़ते, पॉल्यूशन होता है ना, देखो घर में भी धुआं धुआं हो गया ऑलमोस्ट। और वैसे भी दिवाली का त्यौहार पटाखों से नहीं होता है ना, वो दिया से होता है। वही इम्पोर्टेंस होता रहता है ना दिया, तो दिया हमने जला लिया, पूजा वगैरह कर लिया, बाकी पटाखे वो जो जितना मतलब त्यौहार के हिसाब से थोड़ा थोड़ा जला लिया, मजे कर लिए, अच्छा लगा। बाकी थोड़ा चाय वाय पीते हैं और कुछ भी बन रहा है स्पेशल मुझे पता नहीं, देखते हैं। अरे ये क्या कुछ स्पेशल है, ये क्या है? ये पकवान है। ये कौन सा है? ये मूंग दाल और गुड़। अच्छा मूंग दाल और गुड़, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था भाई। नाम नहीं लूंगा आज मैं, आप समझ जाओ, आपको तो समझ आएगा ना मैं क्या समझ रहा था इसको। वैसे ही पता चल रहा है भाई, कलर से ही वैसे ही लग रहा है। आज उसका नाम नहीं लेते, ठीक है? दूसरा टाइप है। हाँ चावल और पिठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं शायद। अच्छा पकवान, हिंदी में पकवान बोलते हैं, मुझे भी पता नहीं भाई, हम तो कमजोर आदमी है। टेस्ट करके बताना भैया क्या लग रहा है, उससे ही टेस्ट करो। हाँ टेस्ट करो, टेस्ट करो। हाँ ऐसे ही गुड़ मिला, देखो भाई गर्म होगा। क्या लग रहा है, स्पाइसी है? ऐसा लग रहा है भाई। क्या है? हाँ अंदर तो बढ़िया स्टफिंग है लगता है ना, चलो वो बाद में देखेंगे ना। ठीक है ये पहले वाला खत्म कर देते हैं, अब बाद में और लेंगे। ठीक है मैं भी थोड़ा चख लेता हूँ। बढ़िया टेस्ट है, गरम भी है काफी, अभी भी बने हैं गरम गरम। हाँ थैंक यू बोल रहे हैं। ये क्यों थैंक यू बोल रहे, तूने बनाया क्या? तू थैंक यू बोल रहा है, कमाल हो गया भाई। हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सामान आ लगता है, तुम समझ गए ना मैं क्या समझ रहा था इसको। चलिए हमारे ऑडियंस में से कौन कौन गेस्ट कर पाते हैं देखते हैं, मैं क्या समझ रहा था आप कमेंट में बताइए। मैं क्या सोच रहा था। वैसे भी ये सब खत्म करके तुम्हें ड्यूटी पे भी जाना है ना अभी? हाँ भाई। इसलिए फिर से जैकेट वगैरह पहन के रेडी हो गए? हाँ ठंडा लग रहा है ना। हाँ लेकिन हाँ वो बात तो है, लेकिन थोड़ा संभल के जाना, इतने पटाखे फोड़ रहे होंगे पता चला तुम गाड़ी से जा रहे होंगे, कोई पीछे से एक रॉकेट छोड़ देगा तो रॉकेट के स्पीड में जाकर हॉस्पिटल में पहुंचोगे। आते वक्त मेरे गाड़ी के टायर में एक रॉकेट था, फेंक दिए थे ना भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बता रहे थे वो मिर्ची वाला कुछ फेंक दिया। उनको भी पता नहीं, रोड में फेंके हुए थे, तुम्हें लगा टायर फट गया। देखा तो मिर्ची का वो फट गया। अरे पेन वाला तो टेस्ट किया ही नहीं, ये वाला टेस्ट कर देते हैं। हां वो असल चीज है ना, सही है कि नहीं थोड़ा देख लीजिए, नमक सही है कि नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये क्या कमाल हो गया भाई। मैं सोच रहा था खाने को दिया है, ये तो एक्सपेरिमेंट। तू तो चूहे बन गया भाई, क्योंकि पहला बोल रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट कर ही देता हूँ मैं। अरे जैसे ही हुआ हरी भाई पहले खाए थे इसलिए। ये तो वो होता है ना लैब में चूहे पर टेस्ट करते हैं। तो चूहा बन के कैसा लग रहा है? ठीक है तो ये गड़बड़ है क्या कुछ? बढ़िया अच्छा लग रहा है, अब बढ़िया है तो मस्त है भाई, नमक भी सही में है, सही है तो हरी में वो मतलब जल्दी जल्दी बना रही है ना अभी, एक साथ सारे काम निपटाओ तो टाइम हो जाता है। दिया जलाया, पटाखे फोड़े, पूजा भी किया था, अभी ये भी बना रही है, एक एक करके बनेगा ये थोड़ा धीरे धीरे बनेगा, इसलिए हम सब बाद में वो खाएंगे, क्योंकि तुम्हें टाइम हो रहा था ड्यूटी के लिए, इसलिए पहले तुम्हारे लिए बनवा दो ऐसे ही मैंने बोल दिया। तो दोस्तों ठीक है, अभी टाइम भी हो रहा है इनको ड्यूटी जाने के लिए। होप करते हैं आज की जो दिवाली का स्पेशल वीडियो ब्लॉग हमने बनाया वो आपको पसंद आया होगा, लेकिन एंजॉय किया होगा, तो अगर एंजॉय किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई। बिल्कुल थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, नई नई जगह दिखाने की कोशिश करेंगे, अभी तो ड्रोन भी आ गया है ना, तो एक वाटरफॉल एक्सप्लोर करने की हम सोच रहे हैं। एक्चुअली बीच में किया भी था लेकिन आधा अधूरा रह गया था, ड्रोन नहीं था हमारे पास, अभी ड्रोन है ना
वो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, वो फ्यूचर ब्लॉग में जरूर आएगा, इसलिए बने रहिएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ या फिर नेक्स्ट कैंपिंग चैनल में कैंपिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, राम राम।